दलित और आदिवासी संगठनों ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। इसमें मेडिकल सेवाओं, पुलिस और फायर सेवाओं को छोड़कर अधिकांश सेवाएं बंद रह सकती हैं। संगठनों ने सरकारी दफ्तर, बैंक, पेट्रोल पंप, स्कूल और कॉलेज बंद रखने की अपील की है। दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मांगों की एक सूची जारी की है, जिसमें अनुसूचित जातियों SC, अनुसूचित जनजातियों ST और अन्य पिछड़े वर्गों OBC के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल है। इस भारत बंद का कुछ असर नागपुर शहर में भी दिखाई दिया है। कुछ जगहों पर दुकानें बंद की तो कुछ जगहों पर संगठनों की ओर से मांग को लेकर मार्च भी निकाला। देखिए, पहली बार और अनेकों बार इस देश में दलित आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। रोज हमारी एक महिला पे कम से कम बलात्कार हो रहा है। रोज एक दो हत्याएं हमारे दलित युवकों की, आदिवासी युवकों की हो रही है। सरकार किसी भी प्रकार का पिछले 10 सालों में इस समाज को देखने की कोशिश नहीं कर रही है। उनका नज़रिया हमारे खिलाफ है। आप देख रहे होंगे कि पूरे भारतवर्ष में सड़कों पर 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बड़ी भारी संख्या में दलित आदिवासी जनता बगैर किसी राजकीय बैनर के सामाजिक संस्थाएं, यूनियंस, विद्यार्थी संगठनाएं, सभी संगठनाएं मिलकर सड़कों पर उतरी है। वे चाहती है कि आरक्षण जो हमें मिला है वो आरक्षण किसी की भीख नहीं थी, तो यह आरक्षण पिछले 3,500 सालों से दलित आदिवासी समाज पर जो अन्याय अत्याचार हुआ, जो उनको मुख्य धारा से दूर रखा गया, उनमें समानता लाने के लिए इस देश के भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कलमे डालकर यहाँ पर उसका समर्थन किया था और कहा था कि हम इस आरक्षण को तब तक यहाँ पे रखेंगे जब तक इस देश में समानता आती नहीं। अभी मुझे ये बताइए कि आज भारत की विद्यमान राष्ट्रपति ये अनुसूचित जमाति की है, यानी आदिवासी है। जब इस देश के अंदर अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब उस उद्घाटन को इस देश की प्रथम नागरिक होने के बावजूद भी उन्हें वहाँ निमंत्रित किया नहीं गया। इस देश का नया संसद भवन बना, नया संसद भवन बनने के पश्चात वो देश के सर्वोच्च पद पर है और संसद ही उनके अध्यक्षता में चलती है। ऐसे वक्त उस संसद भवन का उद्घाटन उनके शुभ हस्ते नहीं हुआ। इस देश में बाबू जगजीवन राम जी उप पंतप्रधान थे और वे स्वामी स्वरूपानंद जी के पुतले के अनावरण के लिए गए, तो उनको जातिता के नाम पर वहाँ पुतले का उद्घाटन नहीं करने दिया गया और उन्हें रोक दिया गया। पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को 2 बार मंदिरों में जाने के लिए रोका गया। जब राष्ट्रपति उप पंतप्रधान इन्हें अगर इस प्रकार की भेदभाव की नीति अपनाकर, छुआछूत की नीति अपनाकर अगर उन्हें वंचित किया जा रहा होगा, उन पर अत्याचार किया जा रहा होगा, अन्याय किया जा रहा होगा, तो इस देश की जनता उसको बखूबी समझती है कि इस देश में जब संसद के अंदर कोई सांसद दूसरे अपने सांसद को या विरोधी पार्टी के नेता को वहाँ पर उसकी जाति पूछता है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी, RSS और मोदी की सरकार इस देश में मनुस्मृति लाना चाहती है, इस देश में भारतीय संविधान को रोकना चाहती है, उसका निषेध करने के लिए आज सड़कों पर बड़ी तादाद में यह भीड़ उमड़ पड़ी है और उस सर्वोच्च न्यायालय का निषेध कर रही है। निश्चित रूप से अभी संविधान चौक पर बड़ी वहाँ पे धरना कार्यक्रम हो रहा है। वो धरना कार्यक्रम के माध्यम से हम देश के सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति महोदया से गुहार लगाएंगे कि वे सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर अध्यादेश जारी करके उसे रोके।
और उसकी हम निश्चित रूप से उनको निवेदन देंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।